हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर आरएएस में। मैं राहुल गर्ग इससे पहले लेक्चर में आपको राजस्थान की जनजातियों का पार्ट नंबर 1 करा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जनजातियों का पार्ट नंबर 2। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सहरिया से। कल मैं आपको 5 करा चुका हूँ, आज 6वीं स्टार्ट करा रहा हूँ सहरिया। सहरिया में सबसे पहले हम इनका देखेंगे क्षेत्र की सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखो, राजस्थान में एक जिला है बारा, वहाँ की दो तहसील हैं शाहबाद और किशनगंज। इन दो तहसील में ये जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इनकी हम कुछ विशेषताएं देखेंगे, कुछ इनके बारे में जानकारी लेंगे कि भाई इस जनजाति की क्या फेमस है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो देखो, यह राजस्थान की पहली ऐसी जनजाति है जिसको भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। पहली ऐसी जनजाति है। इसकी हम दूसरी विशेषता देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था इसकी कैसी है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था इसकी कैसी है। तो देखो, इसकी पंचायती व्यवस्था है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब कि तीन स्तर पर कार्य करती है, जिसमें पहले स्तर को बोला जाता है पंचताई, दूसरे स्तर को बोला जाता है एकदसिया, और तीसरे स्तर को बोला जाता है 84। क्या बोला जाता है? 84। अब इनका मतलब क्या है? देखो, पंचताई का मतलब है 5 गांवों का समूह है। एक दसिया का मतलब है 11 गांवों का समूह है, और 84 का मतलब है 84 गांवों का समूह है। ठीक है, विशेषताओं में इनकी आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया भारत सरकार द्वारा, और पंचायती व्यवस्था कैसी है इनकी, त्रिस्तरीय, पंचताई, एक दसिया और 84। हम तीसरी विशेषता देखते हैं इनकी कि भाई इनके मुखिया को क्या बोलते हैं। इनके मुखिया को बोला जाता है कोतवाल। ठीक है, इनके घरों को क्या बोला जाता है? सहरोल। और अगर छोटी बस्ती है, छोटी बस्ती को क्या बोला जाता है? सहराना। कोतवाल, सहरोल और सहराना, सहरोल। ठीक है, अब हम इनकी चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता मतलब कल्चर के बारे में देखते हैं, इनका कल्चर कैसा है। थोड़ा कल्चर को हम अच्छे से देखेंगे, तो मैं यहां से साफ कर रहा हूं इसको, यहां पे मैं इसका कल्चर लिखता हूं। कल्चर देख रहे हैं हम इनका, कल्चर। तो देखो, कल्चर में पहली इनकी विशेषता देखते हैं हम कि दहेज इनके में लेना अलाउ नहीं है, दहेज प्रथा को ये बेकार मानते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम कि जबकि व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसका श्राद्ध, जो उसकी श्राद्ध प्रथा होती है ना, श्राद्ध दिया जाता है, वो भी इनके में अलाउ नहीं है। तीसरी अगर हम इनकी विशेषता देखते हैं कल्चर में, तो इनकी तीसरी विशेषता है कि भाई होली के दिन, ये होली के दिन लठ मार होली खेलते हैं, दिवाली के दिन हीड़ गाने की परंपरा है, हीड़ गाना गाते हैं ये, वर्षा ऋतु में आला और लेंगी गीत गाते हैं। ठीक है, तो कल्चर में देख लिया इसका हमने, दहेज प्रथा अलाउ नहीं है, श्राद्ध करना अलाउ नहीं है, और इनकी पर्दा प्रथा और देख लेते हैं साथ में कि भाई पर्दा ये क्या करते हैं, ये पर्दा इसकी महिलाएं जो होती है ना, पर्दा वो घर के अंदर करती हैं, घर के बाहर नहीं करती, घर के बाहर नहीं करती। ठीक है, होली लठमार होली खेलते हैं, दिवाली के दिन हीड़ गाने की परंपरा है इनकी, और वर्षा ऋतु में आला एवं लेंगी गीत गाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सहरिया जनजाति पूरी होती है। इसके बाद हम 7th जनजाति ले रहे हैं, वो है हमारी भील। कौन सी जनजाति है 7th? भील। वो ही सबसे पहले क्षेत्र देखेंगे, उदयपुर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम इनकी कुछ विशेषता देखते हैं, विशेषताएं है।
देखो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति, साथ ही राजस्थान की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सेकंड नंबर की है। पहले पे कौन सी आती है हमारी? इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं मीणा, 8वें नंबर की आएगी मीणा जनजाति, वो हमारी फर्स्ट नंबर की आती है। विशेषताओं में इसकी पहली विशेषता देख ली हमने, अब हम देखते हैं इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विशेषता में देखते हैं तो हमारे जेम्स टॉड, आपने पढ़ा होगा, जेम्स टॉड हुए, उन्होंने इसकी उत्पत्ति बताई है बील से, एक बील शब्द है उससे बनाई है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान, तीर कमान। ठीक है, अब हम इसकी और कुछ विशेषता देखते हैं। देखो ये इनकी एक कुल देवता है, कुल देवता, उसका नाम है टोटम। ठीक है, इसको पेड़ पौधों का प्रतीक माना गया है। का प्रतीक माना गया है, ठीक है। एक इनकी देवी है, उसका नाम है भराडी माता, भराडी माता। ये क्या है कि भाई इसको विवाह की देवी के रूप में जाना जाता है, विवाह की देवी। और जब भी कोई दूल्हे अपने ससुराल जाता है ना, तो इस माता का चित्र बनाना पड़ता है उसको हमेशा। ठीक है, अब देखो पेड़ पौधों को अपने भगवान का प्रतीक मानते हैं ये। तो देखो एक इनकी विवाह का प्रकार आता है, उसका नाम है हाथी बैंडो, ये बहुत अच्छा है, इसको याद रखना। इसमें क्या होता है कि भील जनजाति के जो जो पुरुष महिलाएं हैं अपनी शादी क्या करते, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर उनके फेरे लगाते और अपनी शादी मान लेते कि भाई ये हमारी शादी हो गई है। तो आज के समाज के अनुसार ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हमारा प्रकृति प्रेम को दिखा रहा है कि भाई ये कितने प्रकृति प्रेमी हैं। इसी कारण इनको क्या बोला गया है, वन पुत्र भी बोला गया है, वन पुत्र भी बोला गया है। ठीक है, पेड़ पौधों के चक्कर लगा लेते हैं, फेरे ले लेते हैं, उसी को ये विवाह का रूप मान लेते हैं कि हमारा विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह को क्या बोलते हैं, हाथी बैंडो बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक इनकी कल्चर में आती है केसरिया नाथ जी की, केसरिया नाथ जी की केसर पीकर, ये कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, और ये शराब पीते हैं कल्चर में इनका। अगला पॉइंट है कि महुआ, हमने सुना है पौधा, उसकी शराब बनती है, उसको पीना ये प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम इनके देखते हैं कुछ मेले, इनके कुछ मेले देखते हैं हम अभी। एक इनका मेला आता है वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर मेला। एक आता है हमारा घोटिया अंबा मेला। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, और ये वाला मेला लगता है हमारा बांसवाड़ा में। ठीक है, ये वाला मेला आपको, आप इसको पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में, मैं आपको बताऊंगा जब विद्रोह हुए थे तो भील जनजाति का विद्रोह हुआ था, तो उससे संबंधित है, मैं आपको इसको बताऊंगा वहां पे। अभी यहाँ पे इतना ही देखते हैं कि भाई भील जनजाति का मेला कौन सा है, बेणेश्वर कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में लगता है। और साथ में इनकी अब कुछ हम कल्चर विशेषताएं और देख लेते हैं, कुछ टर्म्स काम में ले रहा हूं मैं। प्रिया, प्रिया सिंदूरी, परिजनी और ढेपाड़ा। ठीक है, ये कुछ टर्म्स में काम में ले रहा हूं। तो देखो प्रिया का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि भाई जो उसमें शादीशुदा महिला होती है ना, नव नव विवाहित महिला, वो लाल रंग, सॉरी पीले रंग की, प्रिया का प्रिया पीला, पीले रंग की साड़ी पहनती है, इसको क्या बोला जाता है, प्रिया बोला जाता है। सिंदूरी, महिलाओं की लाल रंग की साड़ी होती है, साड़ी। परिजनी, ये क्या है, पीतल का बना हुआ एक कड़ा होता है, कड़ा, या इसको बोल सकते हैं चूड़ी बोल सकते हैं, जिसको पैरों में महिलाएं पहनती हैं। कहाँ पहनती हैं, पैरों में पहनती हैं, ना कि हाथों में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं परिजनी। और ढेपाड़ा क्या है, जो भील पुरुष होते हैं उनकी तंग धोती, तंग धोती को क्या बोला जाता है,
ढेपाड़ा बोला जाता है। अब थोड़ा इनका हम व्यवसाय देख लेते हैं कि इनकी कृषि कौन सी करते हैं, थोड़ी इनकी कृषि फेमस है इसलिए मैं इनकी कृषि बता देता हूँ। ये कृषि करते हैं जिसको बोला जाता है बालरा, ठीक है, बालरा या झूमिंग कृषि बोलते हैं, ठीक है। अगर ये पहाड़ी भागों में और मैदानों पर दोनों जगह पर होती, क्या होता है इस वाली कृषि में कि भाई मतलब वन है, वनों को काट देते हैं, उनको जला देते हैं वहाँ पे, तो वो थोड़ी भूमि उर्वर हो जाती है वहाँ पे। अपनी ये ना कृषि उगाते हैं, 3-4 साल करते हैं, उगाने के बाद फिर कोई इस वाले क्षेत्र को छोड़कर अगले क्षेत्र पर चले जाते हैं, वहाँ पे फिर सेम प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होती है, ये इनकी वालरा या झूमिंग कृषि कहलाती है, पहाड़ी भागों में और मैदानी भागों में की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा भील समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जनजाति लेते हैं, हमारी 8th नंबर की जनजाति है, उसका नाम है मीणा। सबसे पहले हम इनका देखते हैं क्षेत्र की कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मीणा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जयपुर में, ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं, विशेषता देखते हैं तो देखो ये राजस्थान की सबसे साक्षर जनजाति है, सबसे पढ़ी लिखी सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, जनजाति बोल रहा हूं मैं, जनजाति कौन सी है, मीणा। दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है, देखो मैंने अभी 2nd नंबर की जनजाति आपको बताई थी, कौन सी बताई थी आपको, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था भील, तो वो 2nd हो गई थी, ये 1st नंबर पर हो गई, भील 2nd पर हो गई। और थर्ड अगर पूछता है तो थर्ड आती है हमारी गड़ासिया, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में, ठीक है, गड़ासिया। तो ये सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरा देखो कछवा राजाओं ने इन मीणाओं को हराकर जयपुर में अपना शासन स्थापना की थी, तो कछवा राजाओं का राजतिलक होता है ना, राजतिलक वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कछवा राजाओं की जो खजाना था ना, खजाने का इनको क्या बोला जाता है, रक्षक बोला जाता है, ठीक है। और कुछ विशेषता देखते हैं, देखो मीणाओं को दो वर्ग में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में इनको बांट सकते हैं, एक होते हैं हमारे जमींदार मीणा और एक होते हैं चौकीदार मीणा, ठीक है। और कुछ विशेषता देखते हैं इनकी, देखो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है मत्स्य से, मत्स्य या मीन अवतार इनको माना गया है। और विशेषता देखते हैं हम इनकी, देखो बूंदी हमारा एक जिला है, बूंदी का नाम पढ़ा गया था बूंदा मीणा के नाम पर, बूंदा मीणा के नाम पर, ठीक है। अब हम इनका थोड़ा कल्चर देख लेते हैं, क्षेत्र देख लिया इनका, विशेषताएं देख ली इनकी, अब हम इनके थोड़े कल्चर के बारे में देखेंगे। कल्चर की बात चल रही है तो देखो मृत्यु भोज, 12वें दिन एक मृत्यु भोज होता है 12वें दिन मृत्यु भोज, तो उस दिन जो ये मृत्यु भोज देते हैं ना उसको बोला जाता है मौसर। क्या बोला जाता है, मौसर बोला जाता है। एक टर्म्स आती है इनके काम में झगड़ा, क्या होता है, अगर पुरुष परिवार महिला के परिवार को, महिला परिवार को कुछ भेंट देते हैं ना तो उसको क्या बोला जाता है, झगड़ा बोला जाता है, ठीक है। एक होता है छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, इसका मतलब क्या है कि देखो तलाक होता है, तलाक वैसे कैसे होता है, आज पुरुष और महिला में झगड़ा हो गया तो वो कहाँ पे जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट में जाएंगे वो अपना लेकर फैसला। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष क्या करता है, महिला की साड़ी का कुछ टुकड़ा फाड़ कर महिला को दे देता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, तलाक हो गया इनका, मतलब इसको क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका होता है कल्चर,
कल्चर में देखा है इनका मौसर बोला जाता है, 12वें दिन मृत्यु भोज दिया जाता है। झगड़ा मतलब पुरुष परिवार महिला परिवार को कुछ भेंट प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं। और छेड़ा पहनना क्या है कि पुरुष महिला के साड़ी में से कुछ मतलब वस्त्र फाड़ के टुकड़ा उसको दे देता है, चीर फाड़ के उसको दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना कहते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, तलाक मान लिया जाता है। अब हम इनकी, हमने 8 जनजातियाँ आपकी देख ली, अब हम सरकार द्वारा इनके लिए जो कुछ प्रयास किए गए हैं हम उनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि भाई सरकार ने इनके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इनके बारे में, क्योंकि आपसे सीधा सीधा पूछने वाला नहीं है कि भाई ये किससे रिलेटेड है। वो पूछ लेगा आपसे, या तो मेंस में पूछ लेगा कि भाई जनजातियों के उत्थान हेतु सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, या आपसे एमसीक्यू में किसी टर्म्स को पूछ लेगा, तो मैं आपको उसको बता दूंगा कि भाई ये क्या है। तो देखो, सरकार द्वारा प्रयास में एक माणिक्यलाल आदिम जनजाति शोध संस्थान की स्थापना की गई है। कहां पे? उदयपुर में। एक आता है तुम्हारा जनजातीय विकास विभाग, इसकी स्थापना की गई है कहां पे? उदयपुर में। देखो, ये जनजातियों के लिए काम कर रहे हैं, ये भी उदयपुर में। क्या कारण है कि भाई उदयपुर में इतना ज्यादा स्थापना की गई? देखो, इसके बाद आएगा एक तुम्हारा विश्वविद्यालय, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना उदयपुर में की गई है। ठीक है, तो इतनी उदयपुर में ही इनकी स्थापना क्यों की गई है? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में जनजातियों में कि सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो मैंने आपको उसकी एक ट्रिक्स बताई थी कि भाई उदय बकवाक नावक, तो उदय मतलब उदयपुर, सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में उदयपुर में पाई जाती है। तो यही रीजन है भाई, सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेंगे वहीं पर तो इनकी स्थापना की जाएगी। आज सबसे कम कहाँ पे? बीकानेर में। तो बीकानेर में इन संस्थाओं की स्थापना करके इनको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा कहाँ मिलेगा? जहाँ पे सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा निवास कहाँ करते हैं? उदयपुर में। तो इसलिए इन तीन संस्थानों की स्थापना कहाँ की गई है? उदयपुर में की गई है। तो कहीं भी कोई आया है तुम्हारे पास जनजाति से रिलेटेड संस्था आ जाए, तो आप सीधा आंख मीच के उसमें उदयपुर लिख देना कि भाई हाँ, लगभग अगर आपको पता नहीं हो कि ये उदयपुर में ही होगी। ठीक है ना, इसकी स्थापना भी कहाँ की गई है? उदयपुर में की गई है। देखो, इन दो के द्वारा एक मेला लगता है, उसका नाम है हमेलो। ठीक है ना, कौन सा मेला लगता है? हमेलो। और कुछ देखते हैं इनके बारे में। तो देखो, एक है हमारा ट्राइफेड और एक संस्था है हमारी लैम्स। एक संस्था कौन सी है? ट्राइफेड, और एक कौन सी है? लैम्स। देखो, ये संस्था क्या कहती है? ये कहती है कि भाई इनको एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिल जाएं इनको, जो भी इनकी आवश्यकता है वो इनको प्रोवाइड कर दी जाए, साथ ही इनको कर्ज सुविधा भी उपलब्ध कराता है, ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है लैम्स। लैम्स क्या करवाता है इनके लिए? एक ही स्थान पर इनको लगभग सारी सुविधाएं मिल जाएं, ये व्यवस्था करता है, और इनके लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड संस्था इनके लिए क्या मदद करती है? देखो, जो उच्च व्यापारी होते हैं ना, ये तुम्हारा व्यापारी वर्ग है, वो क्या करता है? इनका शोषण करता था। ये अपनी कुछ फसल को बेचने गए वहाँ पे, तो इनको कुछ जानकारी तो रहती नहीं थी, ये साक्षर कम है, इनको कुछ जानकारी कम रहती है कि बाजार में उसका भाव क्या है। ये अपने हिसाब से इनको पागल बनाकर कुछ भी पैसे देते थे। तो इसलिए ट्राइफेड ने स्टार्ट किया है कि भाई इनकी जो उपज है उसका अधिक से अधिक मूल्य इनको प्रदान किया जाए, इसलिए ट्राइफेड की स्थापना की गई है, ताकि इनका शोषण कम हो, इनकी जो मतलब इनकी फसल है उसका इनको अधिकतम मूल्य दिया जा सके, तो उसके लिए ट्राइफेड की स्थापना की गई है। ठीक है, और सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए? सरकार ने राजस्थान SC ST आयोग की स्थापना की है। ये मैं राजस्थान सरकार के बता रहा हूं, राजस्थान सरकार ने राजस्थान SC ST आयोग की स्थापना की है। सबको पता है, केंद्र सरकार में भी है, लेकिन मैं राजस्थान की बता रहा हूँ आपको। और TSP एरिया, आपने सुना होगा TSP एरिया, कभी कभी फॉर्म भराए आते हैं तो बोला जाता है ना, तुम नॉन TSP हो या फिर TSP हो, तो इनको TSP एरिया का भी दर्जा दिया गया है। हमारे राजस्थान के नक्शा में देखेंगे हम,
राजस्थान का अगर ये नक्शा है तो ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला भाग हमारा लगभग लगभग टीएसपी एरिया में आता है, बहुत क्षेत्र इसका टीएसपी एरिया में आता है। इसका मतलब क्या है कि भाई इस टीएसपी एरिया में इनको आरक्षण दिया गया है, विभिन्न सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं दी गई हैं, तो ऐसे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प दी गई है। तो ये क्या है, सरकार द्वारा इनके उत्थान हेतु किए गए कार्य हैं। संस्था आदम माणिकलाल आदम जनजाति शोध संस्थान, जनजातीय विकास विभाग की स्थापना की गई है, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उदयपुर में, टाइफेड लैम्प्स राजस्थान एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई है, टीएसपी एरिया इनके लिए निश्चित किया गया है। तो यहाँ पे हमारी राजस्थान की जनजातियाँ समाप्त होती हैं। अब इसके बाद आपको राजस्थान ज्योग्राफी तुम्हारे नवीन सर स्टार्ट करेंगे, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। आज मेरा मतलब राजस्थान जनजाति यहाँ पे समाप्त होता है। मैं अब आपको राजस्थान इतिहास पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमारे पास थोड़ी समय की अभी कमी है। तो राजस्थान इतिहास में आपके लिए पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ समस्या आई हो आपको तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसको सॉल्व करने के लिए, मैं अपने आप में उसके थ्रू सुधार लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।